रिक्वेस्ट है, बस एक दफा मेरे बच्चे मुझे मिला दे। मैं सारी जिंदगी नहीं देखूंगी, सारी जिंदगी नहीं कहूंगी। बच्चा है खुशाबाद रे, मेरी दुआ कैसा, वही मेरी कमजोरी थी। खातून मुलजिमा हमारे साथ इस टाइम मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? मरियम। मरियम, मरियम कितनी उम्र है? 28 साल। 28 साल। शादी को कितना अरसा हुआ? 11 साल। 11 साल। खामत कैसा था? खामत शुरू से तो ठीक थे। ठीक थे? हाँ जी। क्या मसला फिर, अब क्या हुआ था? बस खर्चे की वजह से घरेलू लड़ाई वगैरह, और बात नहीं मानते थे। अगर कुछ कहती थी मुझे ये चाहिए घर के लिए, बच्चों के लिए, तो शहर के कुछ हालात भी ऐसे थे जिसकी वजह से हम दोनों की लड़ाई हो जाती थी। घर वाले भी कहते थे आप लोगों को गुजारा नहीं होता, हमें देना पड़ता है। मेरे देवर जो थे वो ही पहले हमारा सारा खर्चा चलाते थे, उसके बाद जब वो अलहदा हो गए तो हमारे ज़्यादा ही मसाइल पैदा हो गए, इसलिए हमारी हर बात बात पे लड़ाई हो जाती थी। इसके अलावा और कोई मसला? ये तो नॉर्मल सा घर का मसला है, हर घर का है। और कोई झगड़ा? नहीं, यहाँ तक था, कुछ नहीं था। नहीं, ठीक है। जिनके साथ आपके ताल्लुकात थे इनका क्या नाम है? शान के साथ था मेरा ताल्लुकात। शान के साथ थे? शान की कितनी उम्र है? 30 साल। 30 साल। और शान से ताल्लुक कितने अरसे से है? मैं तब स्कूल में पढ़ती थी, 9th क्लास में थी जब से मेरा इनके साथ ताल्लुक था। ये भी 9th में पढ़ता था? नहीं, ये पढ़ता नहीं था, ये केबल का काम करता था शुरू से। हाँ जी। तो ताल्लुक बना कैसे? इसकी सिस्टर जो इकरा, वो मेरी दोस्त थी, वो भी मेरे साथ पढ़ती थी। हाँ जी। ठीक है। मैं इनके घर जब एक दो दफा आई तो वहाँ से हमारी दोस्ती हो गई, और फिर हम एक दूसरे को पसंद करने लग गए। घर वालों को भी बताया कि हम शादी करना चाहते हैं, लेकिन घर वालों ने शादी नहीं की। जैसे आपके घर वालों ने? हाँ जी। जैसे मैंने घर वालों को बताया तो इनके शान के घर वाले भी रिश्ता लेके आए थे शादी के लिए, के शादी कर लेते हैं, चले बच्चे हैं, अगर दिल नहीं इनका मानता तो 100 मसाइल पैदा होंगे, लेकिन घर वाले नहीं माने। शान के घर वाले 3 दफा आए थे और 3 दफा ही रिजेक्ट किया गया था उनको। फिर अपने अम्मी अबू को कहा नहीं कि मैं इसके बगैर नहीं रहूंगी या मैं कहीं चली जाऊंगी, जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि बच्चे वालदैन को थ्रेट कर रहे होते हैं, कुछ ऐसा आपने किया था? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। मैंने बस ये कहा था उनको, अगर आपने मेरी इसके साथ शादी नहीं करनी तो फिर मेरी शादी किसी के साथ भी ना करवाएं। ठीक है। फिर जीशान आपका शौहर जिससे आपकी शादी हो गई, जी ठीक हो गया, फिर जीशान को बताया आपने माजी के बारे में? जी, जिस दिन मैं इनके घर आ गई थी शादी की रात वाले दिन, मैं उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं जो था मेरी ज़िंदगी में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। उन्होंने अपने बारे में सब कुछ बताया, और मैंने भी, मेरी 18 साल उम्र थी जब मेरी शादी हुई, और मैंने भी उनको सब कुछ बता दिया। मैंने उन पर इतबार किया और सब बता दिया कि मुझे अच्छे लगे वो, कि अगर वो मुझे बता सकते हैं तो फिर मैं क्यों दिल में बात रखूँ। मैंने बता दिया उनको सारा। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे घर वालों से बात की, मुझे नहीं पता था, मुझे मेरी अम्मी से पता चला था कि तुमने उनको क्यों बताया, तुम्हें बताना नहीं चाहिए था। तो मैंने कहा मैंने तो इसलिए बताया था ये कभी मेरी बात कहीं नहीं करेंगे, और मैंने सब कुछ समझ के उनको अपना बताया था, लेकिन वो सब नहीं था जैसे मैंने सोचा था। अच्छा, फिर बात खत्म हो गई कि झगड़ा होता था इस बात पे? जब मेरा फर्स्ट बेबी होने वाला था तब इनका काम नहीं था, घरेलू झगड़े थे, और मुझे भी घर से कितनी दफ़ा निकाल दिया हुआ था। मैं अम्मी के घर आती थी और ऐसे तलाक तक बात पहुँच जाती थी, फिर मुझे सुलह सफाई के साथ छोड़ जाते थे, फिर ऐसे ही चलता। कौन छोड़ जाता था? अम्मी अबू? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। इसी तरह जिंदगी चलती रही। ठीक है। इस दौरान शान से मुलाकात होती थी? नहीं, तब शान के साथ तो मेरी 6 साल बाद मुलाकात हुई। कहाँ पर? मैसेज किया था मैंने। आपने? जी मैंने। वही नंबर था जो शादी से पहले का था? जी। क्या मैसेज किया था आपने? मैंने बस हाल चाल पूछा था और तब जवाब नहीं आया था। फिर मैंने दूसरे दिन मैसेज किया और फिर जवाब आया था इनका। फिर उसके बाद मेरा मोबाइल नहीं था, मैं अपने मियाँ के
मोबाइल से कर लेती थी कभी कभार, फिर? लेकिन इतनी ज्यादा तब बात नहीं होती थी। फिर अचानक एक दिन जैसे घर ऐसे घर में लड़ाई झगड़े होने और मैंने घर जाके कहना कि मेरे साथ ऐसा होता है, आप क्यों नहीं आते मेरे पीछे, मुझे यही दुख है, मेरे पीछे आया करें, मैंने आपकी बात मानी है, आप मुझे आके तसल्ली दें, उन्हें भी समझाएं कि आप ऐसे ना किया करें, ऐसे मेरी उधर कोई इज्जत नहीं है। फिर तो घर वाले नहीं आते थे, फिर मैं हर बात शान के साथ शेयर कर लेती थी उनको, उसको बताती थी। हाँ जी, कि आज ऐसे हुआ है, आज ऐसे हुआ है। फिर वो क्या कहता था? वो कुछ भी नहीं कहता था, वो मेरी बात सुनता था। वो कहता था तुम फिक्र ना किया करो, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। जिस दिन कत्ल हुआ है क्या प्लान बनाया था? वो कहते थे कि मैं देखता हूँ इसका काम किधर है, कहाँ जाता है। जब उनका कत्ल हो गया तो फिर मुझे फोन आया कि ओके भाभी, ओके हो। बाबा किधर है? अल्लाह ताला के पास। जब आप स्कूल से आए फिर क्या देखा? वो वहाँ पर मेरे पापा का खून है। शान को 6 साल के बाद बताया कि अब मैं 3 बच्चों की माँ बन गई हूँ? जी। या उसको पता था? नहीं, मैंने खुद बताया था। क्या कहा उसने? मैंने उसको कहा था मेरे 3 बेटे हैं, तो वो कहता था अल्लाह जिंदगी दे इनको। कत्ल कैसे करवाया? मेरे मियाँ का हफ्ते वाले दिन कत्ल हुआ था। क्यों कत्ल करा दिया आपने? अगर आप शान से शादी ही करना चाहती थी तो आप खुला ले सकती थी, आप तलाक ले सकती थी, आप कह सकती थी कि मैंने साथ नहीं रहना। अगर इतना ही सीरियस मसला बन गया था, अव्वल तो मैं कहती हूँ कि सलाम है जीशान को, जिसको ये भी पता है कि मेरी बीवी किसी और मर्द से मोहब्बत करती है और उसने फिर भी अपने निकाह में अपने घर में रखा हुआ है। मर्द तो बर्दाश्त नहीं करता, एक सेकंड के लिए नहीं बर्दाश्त करता, उसने फिर भी रखा। 12 साल जिंदगी गुजरती रही। फिर जिस दिन कत्ल हुआ है किस क्या प्लान बनाया था आपने? तब बस शान की, मुझे जिस दिन उन्होंने कत्ल होना था तब मुझे शान का फोन आया था। क्या कहता है? कहता था मैं आपकी गली में आया हूँ, तो मैं काम कर रही थी, तो मैंने कहा खैरियत? तो कहता हाँ बस यहाँ पे कहीं काम आया हूँ। तो उसके बाद उसने अपने दोस्तों को बुलवाया हुआ था जो उसमें शामिल थे। फिर और जब मेरे मियाँ का कत्ल हो गया तो फिर मुझे फ़ोन आया, लेकिन वो शान की आवाज़ नहीं थी, और इसी के दोस्त ने कहा था ओके हो गया भाभी, इतनी बात की। और मैंने उसके बाद कॉल वगैरह की और पूछा नहीं क्या हो गया? नहीं, मैंने ये नहीं पूछा था। ये कैसे हो सकता है? जब मैंने कॉल वगैरह की हाँ, तो मुझे यही था कि शायद वो उसका पीछा करने गए हैं। लेकिन पीछा क्यों करना था? वो कहते थे कि मैं देखता हूँ इसका काम किधर है, कहाँ जाता है, ये था। फिर तो फिर जब उनका कत्ल हो गया तो फिर मुझे फ़ोन आया कि ओके भाभी, ओके हो गया। फिर मैंने उसके बाद मैंने फिर फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं मेरा अटेंड किया, और थोड़ी देर बाद मेरे जो मियाँ हैं उनका दोस्त आया और उन्होंने कहा उनका कत्ल हो गया। फिर मैंने अपने ससुर को उठाया जाके, और फिर वो तकरीबन 20-15 मिनट बाद निकले। फिर उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन किया जो पुलिस में है, उनको फ़ोन किया, और फिर शौहर की लाश खून में लथपथ घर आ गई। जी आपने देखी? जी। तरस आया कि ये मैंने क्या करवाया है? जी बहुत तरस आया। आपने कहा था ना कि इसको कत्ल कर दो, कहा था? जी। कहना बनता था 3 बच्चों के बाद? नहीं। शौहर की खून में लथपथ लाश को देखा तो फिर मेरी रूह कांप गई और मुझे समझ नहीं आई मैंने ये क्या किया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे बड़ा फख्र था, मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, मेरे 3 बेटे हैं, मुझे बहुत गुरूर था। मेरे 3 बेटे हैं, फिर मैं अपने बच्चे लेके साइड पे हो जाऊंगी और हम अपनी लहदा जिंदगी शुरू करेंगे, मैं मेरे बच्चे। शान के साथ ये प्लान बनाया था? नहीं, मैं हाँ। कहती थी मैं अपनी जिंदगी अपने बच्चों के साथ गुजारूंगी, फिर उनको पालूंगी, और मुझे नहीं पता था मेरे साथ ये हो जाएगा। अब आप जेल जाएंगी, जाहिर है जो आपने काम किया है। बच्चे याद नहीं आते? आते हैं। बच्चे याद आते हैं?
तो जिस टाइम ये प्लान किया था कि शोहर को साइड पे करें, उस टाइम ये ख्याल नहीं आया कि इन बच्चों का बाप मैं यतीम कर रही हूँ इन बच्चों को? काश तब मुझे ख्याल आ जाता। नहीं आया, मेरे बच्चे ना मुझसे दूर होते। बच्चे याद आ रहे हैं? बहुत याद आते हैं मुझे। मेरा फखर, मेरा ईमान था वो। मुझे बहुत गुरूर था, मेरा गुरूर टूट गया, मेरा सब खत्म हो गया। मैं इनको, इनके साथ ही अपनी लगातार जिंदगी बनाना चाहती थी। जो मेरी ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हो सकी। वो मुझसे बहुत दूर चले गए और मैं तो बीबी कत्ल तो तुमने खुद करवाया है जीशान को, चले तो नहीं गए, भेजा गया है। कत्ल तो खुद करवाया है ना, किसी और ने तो कत्ल नहीं किया। प्लान कहाँ बैठ के बनाया था? मैंने प्लान नहीं बनाया था। नहीं बनाया था? इन लोगों ने बनाया था। तुम्हें ये पता था कि आज मेरे शौहर को गोलियां मारनी है? पता था या नहीं? हाँ जी पता था। शौहर कब काम पे निकला और कब काम से आया ये तो बीवी को पता होता है ना जी, कि शौहर काम से निकल आया और बीवी के घर कब पहुंचेगा। तो ये तुमने शान को टाइमिंग्स बताई थी जी? बताई थी जी। तो फिर आपको तो पता था ना कि आप गोलियां मरवा रही हैं? आपको तो पता था ना जी कि आप गोलियां मरवा रही हैं अपने खामद को? अल्लाह की बंदी, तीन बेटे पैदा किए हैं उसमें से, तीन बेटे उसके वारिस, उसका नाम लेने वाले, उन्हीं का बाप खत्म करा दिया। ये कैसी मोहब्बत थी जो जायज रिश्ता तबाह कर दिया। ठीक है, शादी से पहले की मोहब्बत थी, पसंद करती थी, शादी करना चाहती थी, सब ठीक है, लेकिन शादी के बाद भी मुलाकातें कहाँ होती थी? कभी कभी मुलाकात करती थी, ज्यादा मेरी मैसेजेस पे बात होती थी। अब बताओ क्या होना चाहिए? अब मुझे सजा होनी जो मुझे मिल गई है। परसों मैंने जेल चली जाना और मेरी एक रिक्वेस्ट है, बस एक दफा मेरे बच्चे मुझे मिला दे। मैं सारी जिंदगी नहीं देखूंगी, सारी जिंदगी नहीं कहूंगी। अच्छा है खुशाबाद रे, मेरी दुआ उनके साथ। वही मेरी कमजोरी थी। बस